हेलो गाइस, वेलकम टू महादेव एडी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोग थंबनेल देख के तो समझ ही गएंगे किस टॉपिक पे हमारी वीडियो आने वाली है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को फुल देखेंगे तभी आपको पता लगेगा कि वीडियो कैसे इस तरह बनाना है। गाइस, इस वीडियो में क्या है, 1 2 3 करके मतलब 4 तक चलता है, उसके बाद धूम मूवी का जो गाना है उसको हमारा जो म्यूज़िक है वो चलता है। इस वीडियो में जो हमारा पास टेम्पलेट है फर्स्ट वाला, उसको आपको कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको उसका टेम्पलेट बना बनाया आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग सिंपल उस पर क्लिक करके डाउनलोड करके आप उसका यूज़ कर सकते हो। चलो मैं आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ। गाइस, अगर वीडियो के लिए कोई भी इशू या प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ जाइए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। जो भी आपका प्रॉब्लम आता है विद स्क्रीनशॉट की, आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है मुझे भेजिए, तो मैं आपका सलूशन दे सकूँगा। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने के लिए हमें VN एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है, ना तो इसमें कोई वाटरमार्क आता है और ना इसमें कोई हमें एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ते हैं, जो हमें कि फ्री होता है एकदम। तो आप लोग इसको जाके डाउनलोड कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड कीजिए, बहुत ही अच्छा है। जब आप लोग डाउनलोड कर लोगे तब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाएगा। तो आपने सिंपल यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टेम्पलेट है ये मिल जाएगा आपको टेम्पलेट। तो इसको सिंपल यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे अपने टेम्पलेट को। तो यहाँ देखते हैं, ये हमारा टेम्पलेट ऐड हो चुका है। तो लास्ट में बाई डिफ़ॉल्ट एक बैकग्राउंड ऐड हो जाता है, इसका कोई रोल नहीं होता हमारी वीडियो में, ये बस ऐसे ही आ जाता है। तो इसको हम सिंपल यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम एक अपनी वीडियो ऐड करेंगे या तो फोटो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक अपनी फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। आप वीडियो से भी बना सकते हो पर मैं यहाँ पे फ़ोटो से बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैं 2 या 4 फ़ोटो ले लूँगा। तो यहाँ पे मैंने 3 फोटोज़ ले ली हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी 3 फोटो आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, तीनों फोटो मेरी ऐड हो चुकी है। अब बारी आती है म्यूज़िक की, हमारी टेम्पलेट भी ऐड हो चुका है, फोटो भी ऐड हो चुका है। अगर आपके पास वीडियो है तो आप वीडियो से भी बना सकते हो, कोई चक्कर नहीं, आप सिंगल वीडियो से भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपल टैप टू ऐड म्यूज़िक पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे म्यूज़िक वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से ये म्यूज़िक चूज़ कर लूँगा जो हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा म्यूज़िक आ चुका है। अब क्या है, हमारी फ़ोटोज़ का लेंथ बहुत बड़ा है, मतलब देख सकते हैं हमारी फ़ोटोज़ की लेंथ बहुत बड़ा है, मतलब ऑडियो के अकॉर्डिंग। हम क्या करेंगे, फोटो का लेंथ थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम फोटो की लेंथ थोड़ी थोड़ी छोटी कर लेंगे ताकि हमारी सारी वीडियो फोटो हैं इनके अंदर आ सकें। तो यहाँ पे लास्ट में इसको कट कर लेंगे, तो बाकी का पार्ट डिलीट कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम वीडियो प्ले करके देखेंगे हमारी वीडियो कैसी बनी है। अगर आपके पास वीडियो है, अगर आप वीडियो भी लगा सकते हो, जहाँ पे मैंने फोटोज़ लगाई हैं वहाँ पे आप वीडियो भी लगा सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि वीडियो कैसी लग रही है। तो हमारी गाइस वीडियो ने जब वहाँ पे जब 1 2 3 4 के बाद हमारी वीडियो एकदम सिंपल से आ रही है। तो उसके लिए क्या करना है, हमने यहाँ पे सिंपल, हमने यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा, तो इस पर सिंपल हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ये वाला इफेक्ट लगा देंगे। तो देख सकते हैं, अब मैं यहाँ पे आपको दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी एडिट हो चुकी है। अगर आपकी वीडियो इसी तरह अच्छे से एडिट हो जाए, देन उसके बाद अगर आपकी वीडियो का क्वालिटी फट रहा हो या तो उसका फ्रेम सही से नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ओरिजिनल ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे राइन रेशो जो 9:16 वाला है तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। तो इससे आपका जो फ्रेम की मतलब फ्रेम की फॉर्मेट भी सही हो जाएगी और आपकी अगर वीडियो फट रही होगी तो उसका भी मतलब आपका अच्छा हो जाएगा। जब आपका ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे 720 वाले पिक्सल पर आपने इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। ये पिक्सल पे जो बहुत अच्छी होती है इंस्टाग्राम पे, इस पर हमारी जो पिक्सल फटते हैं तो इसका नहीं फटेगा। तो यहाँ पे ये अच्छे से सेव हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने सेव टू एल्बम में कर देना है। तो देख सकते हैं हमारी वीडियो एकदम अच्छे से बन चुकी है और गैलरी में सेव हो चुकी है। और जाइए गाइस, इसको अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कीजिए और मुझे मैंशन कीजिए ताकि मैं आपकी वीडियो लाइक कर सकूँ। सो थैंक यू गाइज़, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।